हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। चलिए हम आपको बताते हैं एक्सरसाइज 4B का 15वें का पहला पार्ट। अच्छा, इस सॉल्यूशन को करेंगे। इसके बाद एक यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है, मॉडल पेपर क्वेश्चन है, उसको भी हम इसके जस्ट बाद ही लगाएंगे, तुरंत लगाएंगे, इसी के क्वेश्चन के बाद ही लगाएंगे। उस वीडियो को जरूर, उस क्वेश्चन को जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम की अपेक्षा या एग्जाम के महत्व से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लगाना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर एक तीन बार हो, तो वहाँ हो जाएगा C1 चेंज C1 माइनस C2, और C2 चेंज हो जाएगा C2 माइनस क्या हो जाएगा C3। अच्छा, क्या क्या होगा यहाँ? C1 माइनस C2, 1 में C1 गया 0, यहाँ होगा A माइनस B, यहाँ होगा A क्यूब माइनस क्या हो जाएगा B क्यूब, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा B माइनस C, यहाँ होगा B क्यूब माइनस C क्यूब, यहाँ होगा 1C और क्या हो जाएगा C क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ इतना तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे सोल्यूशन करते हैं, आगे क्या होगा? यहाँ 0 होगा, यहाँ a माइनस बी होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब इसका हो जाएगा एक ब्रेकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रेकेट में a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ab हो जाएगा। अच्छा, 0 हो जाएगा, यहाँ b माइनस सी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक ब्रेकेट में b माइनस सी, यहाँ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा bc हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा c हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा c क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पहले स्तंभ C1 से क्या कॉमन करेंगे? a माइनस बी कॉमन करेंगे। C2 से क्या कॉमन करेंगे? b माइनस सी कॉमन करेंगे। यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ बचेगा क्या b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc बचेगा, यहाँ 1, यहाँ c, यहाँ c क्यूब बचेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट हम प्रसार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डायरेक्ट हम प्रसार, अभी भी चाहें आप इसमें से इसमें घटा सकते हैं, लेकिन अब घटा करके नहीं, अब प्रसार कर लीजिए, सरल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। प्रसार करेंगे किसके सापेक्ष? R1 के सापेक्ष। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर 0 माइनस 0 प्लस 1, ये वाला चला गया, ये वाला चला गया, इसका गुणा होगा, इसका गुणा यहाँ होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक साथ लेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक साथ लेंगे और बी सी माइनस ए बी यहाँ एक साथ लेंगे। अच्छा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब एक ब्रेकेट में सी माइनस ए और एक ब्रेकेट में सी प्लस ए और प्लस बी कामन सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस ए, सी माइनस ए यहाँ से और सी माइनस ए यहाँ से कामन, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए कामन, सी माइनस ए कामन, तो यहाँ क्या मिलेगा सी प्लस ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी प्लस सी, हैंस प्रूफ। मुझे आशा है पूरा समझ में आया होगा। वीडियो को रोक रोक करके आराम से देखें, ध्यान से देखें, सवाल को लगाएं, फार्मूले को याद कर लें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जो होता है ए माइनस बी होता है, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। इस प्रकार आप तैयार करते नहीं, लगातार तैयार करते नहीं, बने रहें और आप लगातार अपनी तैयारी करते रहें और तैयारी बनाए रहें, एग्जाम एक ना एक दिन जरूर होगा। अच्छा, जो नए बच्चे जो 11th से 12th में गए हैं, उनके लिए चैप्टर बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 8 नंबर के एक क्वेश्चन और आगे भी कम से कम लेकर के 16 से 20 नंबर तक के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। अच्छा, आप तैयारी लगातार करते रहिए, इसके नोटबुक भी बनाते रहिए, क्योंकि मैं एक एक सवाल आराम से समझाता हूँ। चलिए आज मैं 15 नंबर क्वेश्चन में डाला हूँ, 15 नंबर क्वेश्चन में समझाता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन का ये पहला वाला पार्ट है। अच्छा, क्या दिया गया सवाल, कितना बढ़िया सवाल है, 1 1 1 और फिर क्या दिया है ए बी सी, फिर क्या दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही दिया गया। हमको लाना क्या है, हमको लाना है ए माइनस बी लाना है, बी माइनस सी लाना है, सी माइनस ए लाना है और लाना है ए प्लस बी प्लस सी, मुझे यही प्रूफ करना है। चलिए तो प्रूफ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें प्रूफ करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है, आराम से देखते हैं क्या चीज़ होता है, सॉल्यूशन होता है, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, आराम से आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे ही यहाँ 3 बार 1 आ जाए, 1 2 3 बार 1 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे C1 चेंज C1 माइनस C2 और C2 चेंज C2 माइनस C3, आराम से करेंगे, ठीक है। अच्छा, C1 माइनस C2 जैसे ही करेंगे, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ करेंगे a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ b माइनस सी हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 c और क्या हो जाएगा c स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ तक हुआ कोई दिक्कत नहीं है। सी वन माइनस सी टू, वन माइनस वन जीरो, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस वन जीरो, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अच्छा आगे चलते हैं सॉल्यूशन के लिए, क्या दिया गया है यहाँ पर, जीरो है, ए माइनस बी है, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी और लिख सकते हैं ए प्लस बी। अच्छा जीरो है ले सकते हैं बी माइनस सी और ले सकते हैं यहाँ बी माइनस सी ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं बी प्लस सी, यहाँ ले सकते हैं वन सी और क्या ले सकते हैं सी स्क्वायर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप देखिए पहले वाले स्तंभ से मतलब सी वन से ए माइनस बी कॉमन है, सी वन से ए माइनस बी तथा सी टू से बी माइनस सी कॉमन है, बी माइनस सी कॉमन है तो यहाँ ए माइनस बी कॉमन कर लिए और क्या कॉमन कर लिए बी माइनस सी कॉमन कर लिए। अच्छा a माइनस बी कामन जीरो मिल गया, यहाँ वन मिल गया, यहाँ a प्लस बी मिल गया। अच्छा यहाँ से जीरो है, यहाँ b माइनस सी कामन वन मिल गया, यहाँ b प्लस सी मिल गया, यहाँ वन c और क्या मिल गया c स्क्वायर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अच्छा अभी भी आप चाहें तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए आप कुछ पार्ट मिल चुका है, कौन कौन सा पार्ट मिल चुका है, a माइनस बी मिल चुका है, b माइनस सी, मुझे c माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी की ज़रूरत है। तो चलिए हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, पहले पंक्ति मतलब आर वन के सापेक्ष, आर वन के सापेक्ष प्रसार करने पर, क्या करने पर प्रसार करने पर, तो यहाँ a माइनस बी, बी माइनस सी और प्रसार करते हैं यहाँ जीरो माइनस जीरो प्लस वन, ये वाला चला गया, ये वाला चला गया। अच्छा जब ये वाला चला गया, ये वाला चला गया, तो इसका हम क्या करेंगे, इसको हम प्रसार करेंगे। ठीक है तो यहाँ ये प्रसार करेंगे तो यहाँ हो जाएगा वन के साथ में हो जाएगा, यहाँ यहाँ हो जाएगा b प्लस सी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे हम सॉल्यूशन देखते हैं, p से b कैंसिल, क्या मिला a माइनस बी मिल गया, b माइनस सी मिल गया और क्या मिल गया c माइनस ए मिल गया, तो यही हमारा अभीष्ट क्या है उत्तर हो गया, यही हमारा क्या हो गया अभीष्ट उत्तर, हमको यही क्या करना था प्रूफ करना था। चलिए हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ए बी देखिए यहाँ है वन 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 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, हमको ये लाना था, हमने इसको पूरा क्या कर दिया है प्रूव कर दिया, इसी आधार पे आप पूरा पूरा क्या करिए इसको देख लीजिए। ठीक है चलिए हम 15 का पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था ये आपके मॉडल पेपर से उठाया था, उठ गया था मॉडल पेपर से, क्योंकि मॉडल पेपर में वन 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 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो कैसे प्रूफ होगा इसको हम अगले क्वेश्चन में बताते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन में ध्यान।